लोकसभा चुनाव के साथ साथ रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन काफी सक्रिय है। इसी क्रम में बीती रात को एसपी दीपक कुमार शर्मा शहर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निकले और कई इलाकों का भ्रमण किया। इस दौरान उनके साथ डीएसपी और थाना प्रभारी भी मौजूद थे। भ्रमण के दौरान एसपी ने शहर के संवेदनशील इलाकों का खासकर भ्रमण किया और पुलिस अधिकारियों व जवानों को 24 घंटे तैनात रहने का निर्देश दिया। शहर भ्रमण के दौरान एसपी ने कई अखाड़ा समितियों के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की और उनसे रामनवमी के दौरान निकलने वाले अखाड़े का रूट जानने के साथ ही अखाड़े में होने वाले प्रदर्शन के बारे में जानकारी ली। इस दौरान एसपी दीपक कुमार शर्मा ने अखाड़ा समिति के पदाधिकारियों से बात करते हुए आग के खेलों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होने की जानकारी दी। साथ ही अखाड़ा गुजरने वाले रास्तों से गुजरते बिजली के तारों को भी देखा और दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर जर्जर तारों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गिरिडीह पुलिस प्रशासन द्वारा सामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। पर्व त्योहार के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से रामनवमी का त्योहार आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ मनाने का आग्रह किया। आगामी रामनवमी पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए आज स्वयं पूरी पुलिस टीम के साथ सभी डीएसपी और सभी थाना प्रभारी के साथ भौतिक रूप से स्वयं पैदल मार्च करके हम लोग शहर भ्रमण कर रहे हैं और सभी रूट का जो है भौतिक सत्यापन कर रहे हैं, किस मार्ग से कौन सा खड़ा आएगा या कौन सा जुलूस आना है और उस पूरे जुलूस जो है क्लब करके कहाँ मिलेंगे और इन सभी रास्तों पर क्या पुलिस की व्यवस्था की जाएगी, किस प्रकार के रास्तों में फोर्स जो है डिप्लॉय किए जाएंगे, कहाँ कहाँ जो है लूज वायर की समस्या है, कहाँ पर बिजली की समस्या है और कहाँ पर अन्य समस्याओं का आकलन किया जा रहा है और उसके हिसाब से जो भी कमियां पाई जाएंगी उसको दूर किया जाएगा। साथ ही सभी पदाधिकारियों को फिजिकली स्पॉट दिखा करके भी ब्रीफिंग की जा रही है कि सभी पदाधिकारियों को किस प्रकार के दायित्व निभाने हैं और सभी जो भी कॉन्स्टेबल्स आएंगे या जो भी ड्यूटी के लिए बल आएगा उन बलों को भी ब्रीफिंग की जानी है। साथ ही आज पूरे भ्रमण के दौरान दोनों पक्षों के लोग से मैं स्वयं मिल रहा हूँ और उनसे मिल करके ये अपील कर रहा हूँ कि आप लोग पूरी तरह से जो भी रामनवमी संपन्न होना है उसमें दूसरे वर्ग के लोग भी उसमें संपूर्ण सहयोग करें, जगह जगह पर उस जुलूस का स्वागत करें, उन स्वागत में उनको शरबत वगैरह या जो भी है जिस तरीके से वो कर सकते हैं वो करें ताकि समाज में एकता बनी रहे, भाईचारा बनी रहे और बिल्कुल ही अच्छे ढंग से पूरी रामनवमी संपन्न हो। साथ ही जो प्रशासन के स्तर से तैयारियां की जानी है उसमें जो है लाइट की व्यवस्था भी की जा रही है और साथ ही जो सड़क है कहीं कहीं पर सकरी जगह है उस जगह पर अतिक्रमण भी हटाने की तैयारी की जा रही है ताकि जुलूस जिस भी मार्ग पर निकले वो बिल्कुल ही अच्छे ढंग से अपने गंतव्य तक पहुँच सके।